वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे रोज शाम को 6 बजे 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट आप डेली हमारे साथ जुड़कर दे सकते हैं, और कल के लिए क्षमा चाहते हैं, कल का जो वीडियो था सेट नंबर 24, जी हाँ, उसमें आपको साउंड नहीं जा पाया था, तो वो वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के चलते साउंड उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आप लोग पूरा पैटर्न देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों आज के इस पैटर्न पे, जो कि रोज शाम को 6 बजे आपको यहाँ से दिए जाते हैं, और सुबह के 4 बजे आपको करंट अफेयर का वीडियो भी दिया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जितना ही इंपॉर्टेंट है करेंट का टॉपिक, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में हम देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से जुड़े कुछ प्रश्न। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके का भी पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम की तैयारी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, और हाँ, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके। जी हाँ, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप बीपीएससी के रिगार्डिंग जो तैयारी शुरू की गई है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी, उनका नाम क्या है? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से अलंकृत किया था, तो ये इनका नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। दोनों क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। वे स्वतंत्र भारत के अनेकानेक पलों और बंधों के निर्माता अभियंता भी थे। कौन? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ही, जहाँ उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, जी हाँ, जिसका उत्तर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया होता है। तो आंसर यहाँ पे बी कर लेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। ड्यूज वर्ड है, एक खेल से संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है ये वर्ड? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। जी हाँ, आप इस बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्यूज ज्वाइन करें और एक एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स अ सी, टेनिस से संबंधित है दोस्तों। चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है, याद रखिएगा, ठीक है। और टेनिस जो खेल है इसे संबंधित है ये ड्यूज वर्ड। इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं जो कि टेनिस खेल से संबंधित होते हैं, जैसे कि इसमें हाफ का वर्ड हम लोग जो है हाफ वर्ड जो है यूज़ करते हैं, हाफ सर्विस है ना, वॉली सर्विस को भी हम लोग समझते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लेट लेट सर्विस होता है, इसमें फॉल्ट होता है, ठीक है, फॉल्ट सर्विस भी होता है, स्मैश होता है, जी हाँ स्मैश होता है, और सर्विस जो कि मैं अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ इस वर्ड को भी जरूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों चेंट होता है, और सेट होता है, और इन होता है, तो ये सारे वर्ड जो है यहाँ पे टेनिस में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ डी, नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल जिनका उत्तर आएगा कोहिमा, जी हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराता चल रहा हूँ, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, कोहिमा दोस्तों यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक से सटा हुआ राज्य है दोस्तों मणिपुर, उसकी राजधानी कहाँ है? जी हाँ, तो इम्फाल होता है दोस्तों। मणिपुर का कहाँ है? मणिपुर का पूछ दे तो इम्फाल होता है राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीवन प्राणी के प्रसिद्ध है? चलिए आंसर कीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों सिंह और गेंडा, जी कोई हम लोग भारतीय गेंडा कहते हैं, एक सिंह वाला गेंडा, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे आंसर एक से ज़्यादा होगा एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे जंगली सुअर भी मिलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो एक से ज़्यादा उत्तर सही है यहाँ पे, इसलिए विशेष रूप से वैसे ये एक सींग वाला गेंडा ही फेमस है यहाँ का, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए और ई हो जाएगा एक्चुअली। यहाँ पे जंगली सुअर भी ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, इसलिए ई आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 1 दिसंबर किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है?
चलिए आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग। जी हाँ, 1 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा इट्स अ सी एड्स दिवस। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे और यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, इट्स अ सी एड्स दिवस। जी हाँ, एड्स दिवस कब से सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो 1988 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर साल ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, जी हाँ एचआईवी पॉजिटिव एक तरह का संक्रमण है ये, ठीक है, जिसके प्रसार से लोगों की महामारी होती है और वो मौत के कगार पर आते हैं। जी हाँ, एचआईवी पॉजिटिव जिनके अंदर लक्षण आ जाता है वो दोस्तों उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगती है। क्या कमज़ोर होती है? तो उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगती है, जिसके चलते वो जल्द ही मृत्यु हो जाती है उनकी, ठीक है। ये एक तरह की महामारी है, ठीक है, और इसके लिए हर साल 1 दिसंबर 1988 से इसको जागरूक किया जा रहा है लोगों को पूरे विश्व भर में। चलिए आंसर कीजिएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। लाल शीशा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा इट्स अ बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, जी हाँ इट्स अ बी सिंदूर। नोट कर दीजिएगा, लाल शीशा को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था? देखिए भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है, जी हाँ कौन? गोवा, ठीक है। तो भारत जो है यहाँ पे भारत संघ होने से पहले यह किसका भूभाग हुआ करता था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी इज द राइट आंसर, पुर्तगालियों का। नोट कर सकते हैं दोस्तों, गोवा से सवाल जुड़े हैं यहाँ पे, तो इसके साथ जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी होती है दोस्तों पणजी, ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं, ठीक है, याद रखिएगा प्रमोद सावंत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, पणजी यहाँ की राजधानी होती है, ठीक है दोस्तों। गोवा के गवर्नर कौन है जल्दी से बताएंगे? जी हाँ, तो सत्यपाल मलिक, नाम याद रखिएगा, लिख लीजिए। ये 3 टॉपिक तो यहाँ से जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि सवाल जुड़े हुए हैं इसलिए प्रश्न पूछ भी लिए जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और इस बार 31 मई को लॉकडाउन था हमारे पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में, तो इसलिए इस दिवस का जो थीम रखा गया कि लोगों को, जी हाँ जो युवा वर्ग हैं उनके प्रति ये जागरूकता फैलाना कि तंबाकू का निषेध यानी कि तंबाकू का उपयोग करना उनके लिए कितना हानिकारक है, ठीक है। तो इस साल का थीम युवाओं से जुड़ा हुआ था, इसलिए 31 मई हर साल ये विश्व भर में मनाया जाने वाला, जी हाँ दिवस है, याद रखेंगे। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ और तथ्य हैं, जैसे 5 जून, 5 जून को हम लोग मनाते हैं दोस्तों पर्यावरण दिवस, ठीक है, याद रखिएगा क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, ये आप ध्यान रखेंगे। एड्स दिवस मैंने आपको बताया 1 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर कीजिएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय दोस्तों याद रखिएगा नई दिल्ली इज द राइट आंसर। जी हाँ, मुख्य डाक टिकट संसद मार्ग नई दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पे, अंतरिक्ष में किस यान को भेजने वाला पहला देश कौन था? अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन था? तो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, USSR, जी हाँ USSR, तो ये उस समय संयुक्त सोवियत संघ हुआ करता था, अब ये रशिया जो है अपने आप को यहाँ से अलग कर चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो पूरा संघ था उस समय सबसे पहले अंतरिक्ष में, जो कि मानव रहित अंतरिक्ष यान
सबसे पहले सॉरी बिना मानव के ये जो यान भेजा गया था अंतरिक्ष में, ठीक है, लेकिन सवाल जुड़ेगा, एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ये तो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला यान था, लेकिन मानव रहित यान कब भेजा गया? तो याद रखिएगा 2008 में भेजा गया था दोस्तों मानव रहित, जी हाँ, और आज ही के दिन मतलब कह सकते हैं मतलब भारत ने मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान प्रथम भेजा भारत की तरफ से श्रीहरिकोटा से, और अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया इसको, और भारतीय अंतरिक्ष यान जो है प्रक्षेपण कार्य में 27वां उपकरण भी था इसका, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की तरफ से ये सवाल हो सकता है बन जाए, भारत ने कब भेजा अपना अंतरिक्ष यान, तो ये मानव रहित था और चंद्रयान इसका नाम रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ग्लोबल पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है, कितने से कितने के बीच में? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में दोस्तों उत्तरी गोलार्ध जो है 8 डिग्री 4 मिनट 37 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक की उत्तरी अक्षांश पे है, जी हाँ नॉर्थ पे है, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट जो कि पूर्वी पे है यानी कि ईस्ट पे है, ठीक है, यह हमारा भारत का स्थिति है। भारत जो है अक्षांशीय विस्तार इसका 6 डिग्री 4 मिनट और 37 से लेकर 6 मिनट तक के उत्तरी अक्षांश के मध्य भी है। भारत का क्षेत्रफल अगर पूछ रहे तो यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये देश है, तो बहुत काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का ये 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों, ठीक है, आंसर क्या करेंगे यहाँ पे बी, ओके। चलिए, ये नॉर्थ अगर उत्तरी अक्षांश पूछा है तो बताया गया, और ये पूर्वी अक्षांश का बारे में पूछा है जो कि इसका पूरा स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है भारत देश का, ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल मैंने बताया वो नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का ये ये क्षेत्रफल वाला देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ सी इज द राइट आंसर, कर्नाटका का। दोस्तों कर्नाटका से सवाल जुड़ा है तो यहाँ के जो राजधानी है वो बेंगलुरु है, याद रखिएगा, ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, बेंगलोर कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ येदुरप्पा, BS, BSY येदुरप्पा, ठीक है, येदुरप्पा इनका नाम है, चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड संबंधित है, चौरी चौरा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, और जहाँ पर 5 जनवरी 1922 को, ये नोट कर सकते हैं 5 जनवरी 1922 को, जी हाँ 1922 को, ठीक है, भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें कि इन्होंने 22 पुलिसकर्मी जो थे या कर्मचारी जो थे वो जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना गया, ठीक है, डेट याद रखिएगा, और ये दोस्तों याद रखिएगा असहयोग आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, देखिए इनका कार्यकाल मतलब जीवन काल जो था दोस्तों 1483 से 1546 तक का था, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। मार्टिन लूथर का, ये क्रिश्चियन थे, एक ईसाई धर्म के थे, ठीक है, ये क्रिश्चियन धर्म से क्या थे तो सुधारात्मक, उनके आंदोलन में पादरी हुआ करते थे, और ये जो थे जर्मन भिक्षु धर्मशास्त्री विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी थे और पादरी और चर्च के सुधारक भी बने। इनके अलावा इनके बारे में बताएं तो इनके विचारों के द्वारा जो प्रोटेस्टेंट जो कि सुधार आंदोलन के आरंभ में इसको जाना जाता है, प्रोटेस्टेंट नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, जिसने कि पश्चिमी यूरोप के विकास में इसका दिशा बदल दिया था, ठीक है, मार्टिन लूथर नाम याद रखिएगा। आंसर क्या करेंगे बी, ये एक रंग भेद विरोधी भी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी,
विंस्टन चर्चिल, नोट कर सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो निर्णायक भूमिका अदा की थी वो ब्रिटेन ने भी की थी। यहाँ पे हिंदुस्तान के अखबारों के लिए बतौर संवाददाता लिखने वाले विंस्टन चर्चिल, जो कि 1874 से 30 नवंबर तक, ठीक है, 30 नवंबर के रोज ही पैदा हुए विंस्टन चर्चिल को दुनिया का एक बेहतरीन राजनेता के अलावा एक सफल साहित्यकार के तौर पर भी इनको जाना जाता है। नाम याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, 30 नवंबर को जन्मे 1874 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देता है? जल्दी से आंसर करेंगे, बिल्कुल आंसर कीजिएगा बी, जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति को। इसके बारे में सारा डिटेल आपको वैसे बता चुका हूँ, है ना, और इसके बारे में आप लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो पंजाब के साथ सीमा कौन साझा नहीं करता है राज्य हमारा, तो उत्तर कीजिएगा जल्दी से, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों बी, उत्तराखंड जो है ये अलग है, ठीक है, ये हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। कहाँ पे है, अगर भारत का नक्शा कुछ इस तरह से हम देखें, अगर ठीक है कुछ इस तरह से देखें, ये देखिए कुछ इस तरह से अगर हम भारत का नक्शा बनाए, ठीक है, सॉरी नक्शा थोड़ा सा गलत अगर बन जाए तो माफ कीजिएगा, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है हमारा, है ना, ये जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, जबकि पंजाब का क्षेत्र हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा है। उत्तराखंड का बॉर्डर जो है हमारा कुछ चाइना और नेपाल से भी लगे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। भारत में बॉम्बे हाई निम्न में से भली भांति जाना जाता है? चलिए बॉम्बे हाई किस लिए जाना जाता है दोस्तों, तो आंसर करेंगे इट्स ए, जी हाँ, तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, बॉम्बे हाई जो है इसको किस लिए जानते हैं हम लोग, तो तेल हाई, तेल अनुसंधानों के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहाँ से सवाल बन सकता है कि अगर सवाल जुड़ा है मुंबई से, बॉम्बे से, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं, ये भी आप नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, जी हाँ, तो भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसे समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी, क्लीमेंट एटली इज द राइट आंसर, जी हाँ, जिनके समय काल में भारत ने क्या किया था, स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1947 के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तुलसीदास किसके राजत्व काल के रहते थे, मतलब समकालीन किसके थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में ही पूछे जाने वाले सवालों में से है ये, तुलसीदास किसके राजत्व काल के रहते थे, यानी कि समकालीन किसके थे, कौन से राजा के, तो याद रखिएगा तुलसीदास दोस्तों अकबर के समकालीन थे, ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ बी इज द राइट आंसर। अकबर जो थे वो व्यक्तिगत रूप से तुलसीदास को नहीं जानते थे, लेकिन इस युग के फारसी और हिंदी के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे तुलसीदास, और माफ कीजिएगा संस्कृत के थे ये और हिंदी के। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में व्यतीत किया था, और वो अपने करीब 25 सुप्रसिद्ध उच्च श्रेणी के ग्रंथ भी लिखे थे इन्होंने, कितने उस काल में, जी हाँ 25 ग्रंथ लिख चुके थे ये, तो तुलसीदास एक बहुत ही बड़े काव्य थे, और ये रामचरितमानस सर्वाधिक इनकी सबसे प्रसिद्ध हुई थी, जो कि रामचरितमानस जो थी इनकी पुस्तक, जी हाँ, जो कि रामायण के बारे में इन्होंने बताया हिंदी में अनुवाद करके, ठीक है, तो ये बहुत फेमस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? आंसर करेंगे यहाँ पे सी, जी हाँ, मौर्य वंश, ठीक है, सबसे इन चारों में से है वैसे तो अगर देखा जाए तो, कौन सा है, तो मौर्य वंश, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे अगर हम बात करेंगे दोस्तों मौर्य वंश की, तो इनका समय काल 321 ईस्वी पूर्व से लेकर, ठीक है, 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक की होती है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र किस शहर में है? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अजमेर में है। ठीक है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र किस शहर में है? बिल्कुल शेख सलीम चिश्ती जो कि समाधि भारत के, सॉरी ये आगरा में है दोस्तों, यहाँ पे आंसर गलत है यहाँ। ठीक है, याद रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, आगरा में है, आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पे करीब जिले में, नगर में 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी जगह है। जी हाँ, यहाँ से फतेहपुर सिकरी, जहाँ पे फतेहपुर सिकरी जो है, जहाँ पे आपको शहर है जो कि जाना जाता है दोस्तों, किसके लिए? तो रौजा के लिए। और दक्षिण में बुलंद दरवाजा की ओर मुख किए हुए जामी मस्जिद भी है यहाँ पे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, फतेह आगरा में है ये शेख सलीम चिश्ती का कब्र। ठीक है, यहाँ पे आंसर पे सुधार दूंगा पीडीएफ में, अजमेर शरीफ में वो, यहाँ पे गरीब नवाज हैं। ठीक है, याद रखिए उनकी ये क्या है, तो यहाँ पे इनकी कब्र है और इनको दरगाह माना जाता है, बहुत पूजनीय है, अजमेर शरीफ के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से। जी हाँ, आंसर हो जाएगा इट्स अ सी, जी हाँ 570 ईस्वी में हुए थे दोस्तों। ठीक है, नोट कर सकते हैं डी ईस्वी में हुए थे, ईस्वी पूर्व मत लिख दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी 570 ईस्वी में हुआ था, और लगभग 613 ईस्वी के आसपास, जी हाँ 613 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब ने अपने लोगों को अपने ज्ञान और उपदेश देना आरंभ किया था। यह कब? 613 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी घटना का इस्लाम का आरंभ हुआ था, 613 के बाद ही यह इस्लाम जो धर्म है वो आया, और इसमें सारी जो इन्होंने अपने कुरान शरीफ लिखे उसमें बताया गया कि कब से कब तक इनका समय काल था, और ये जो है अपने उपदेश जो देने शुरू किए थे, ये एक पैगंबर थे, जी हाँ इनको लोग देवता के रूप में मानने लगे, और इस्लाम जी हाँ जो कि शुरुआत हुआ कब, तो 613 ईस्वी से। ठीक है, और ये अब एक धर्म के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग दोस्तों इंसुलिन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और इंसुलिन कहाँ बनता है, तो हमारे जी हाँ नोट कर सकते हैं अग्नाशय में, तो आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है मधुमेह के कारण, या तो अग्नाशय जो है इंसुलिन का, जैसे जैसे रोग प्रगति होता है इंसुलिन की कमी भी विकसित होती रहती है, तो इंसुलिन का कमी होने के चलते हमें मधुमेह की बीमारियां हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ नोट कर सकते हैं जल्दी से बताएंगे, जी हाँ सेलेनाइट इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं, जी हाँ कैल्शियम सल्फेट कहते हैं इसको, ओके नोट कर सकते हैं, और इसकी संरचना जो है कैल्शियम या का सल्फेट बनाता है, जैसे कि CaSO4 और 2H2O से मिलकर, ये खनिज है जो कि सेलेनाइट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नोट कर सकते हैं सी इज द राइट आंसर, इसको सेलेनाइट भी कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फटाफट, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इज द सी इज द राइट आंसर, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? जी हाँ हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27, चलिए सुमेलन करना है यहाँ पे, प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, तो विक्रमशिला मठ, बिल्कुल विक्रमशिला मठ दोस्तों याद रखिएगा जो है ये गलत है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं है, और यहाँ पे बोला गया सही सुमेलन है, तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ जो स्तूप है आपका अमरावती है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है और आंध्र प्रदेश में ये अब बौद्ध स्तूप शामिल है। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पे सिर्फ सही होगा, और हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश गलत बताया गया है, उदयगिरी गुफाएँ ये गलत बताया गया है। तो ये बताइए आपकी विक्रमशिला मठ कहाँ पे है, तो
बताइए यहाँ पे, ये है दोस्तों विक्रमशिला में, ठीक है, कहाँ पे है विक्रमशिला में, जो कि अभी कहाँ का है दोस्तों, तो पाकिस्तान का एक भाग है, ठीक है। और हेमकुंडा गुरुद्वारा कहाँ पे है, जल्दी से बताएंगे। हेमकुंडा गुरुद्वारा दोस्तों, जो कि हेमकुंड साहिब के रूप में जाना जाता है, और यह चमोली जिले में उत्तराखंड में, जो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिखा गया है, उत्तराखंड में है ये, याद रखिएगा। और उदयगिरी गुफाएं कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे उदयगिरी गुफाएं कहाँ पे दोस्तों, तो ये है दोस्तों बारीपुरा, जी हाँ, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है, ठीक है, सी यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये सारे तथ्य थे जो कि यहाँ पे गलत थे, लेकिन सही उत्तर यहाँ पे अमरावती बौद्ध स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखाओं को क्या कहते हैं, बिल्कुल मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको, याद रखिएगा। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत के अधिकृत क्षेत्रों के बीच यह सीमा चिन्हित की गई है, और यह सीमा है दोस्तों जो रेखा आपको 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद इसको रखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, और फिर से अभी तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है, ठीक है, याद रखिएगा, और यहाँ पे चीन की राजधानी बीजिंग होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ डी कनकेव लेंस लगाकर, ठीक है, जो कि मायोपिया को हम लोग रिफ्रेक्टिव इरर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्रेक्टिव इरर कहते हैं, इसलिए इस दूर करने वाली के लिए, इसको जानने के लिए सर्जरी रिफ्रेक्टिव सर्जरी कहते हैं इसको, ठीक है। रिफ्रेक्टिव सर्जरी में हम किसका उपयोग करेंगे, तो कनकेव लेंस का उपयोग करेंगे, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। शरीर में किसकी अधिकाय के कारण दिल का दौरा पड़ता है, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल उत्तर सीजिए यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, कोलेस्ट्रॉल का, जी हाँ आंसर क्या करेंगे, बी कोलेस्ट्रॉल का इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम होता है बायोगैस, ठीक है, और बायोगैस एक स्वच्छ प्रदूषण रहित और पर्यावरण का मित्र कहा जाता है, और यह ज्वलनशील गैसीय ईंधन भी है एक तरह का, तो इस पे लोग खाना भी बनाते हैं। बायोगैस में मुख्यतः मिथेन 55 और 66% लगभग रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों 35 से 40% रहता है, तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, डी अमोनिया, ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो अमोनिया उत्पन्न करता है, ठीक है, लेकिन इस गैस में कम से कम मिथेन भी होता है, और बायोगैस में मुख्यतः मिथेन होता है 55 से 66% तक, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है 35 से 40%, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी होना चाहिए आई थिंक, ठीक है, आंसर डी बोल दिया गया, अमोनिया मीथेन होता है दोस्तों, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर, गलत है यहाँ पे, सुधार कर देंगे 31 पे भी। चलिए पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में सूर्य ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त कराती है, चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ बी, जी हाँ, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा का हमें प्राप्त कराती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो याद रखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया है, तो 121 वर्ष लगभग पहले ब्रिटिश के भौतिक शास्त्री थे जे जे थॉमसन, आंसर क्या करेंगे, सी कर लीजिएगा यहाँ पे, जे जे थॉमसन इनका नाम था, और ये 1897 में, जी हाँ दोस्तों, इसका खोज किया था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 34। किसी पिंड का गुणधर्म जो कि विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है वो क्या कहलाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ डी, ये सहित कहलाते हैं, ठीक है, चलिए डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। ग्रेनाइट निम्न में से पाया जाता है, क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन टफ पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है,
आंसर कीजिएगा सी, अग्नेय सेल्ड में, अग्नेय चट्टानों में हमें ग्रेनाइट जो है वो मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, नदी प्रवाह निर्बल होता है दोस्तों। ठीक है, डेल्टा जो है नदी के मुहाने पर होता है, इसके द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं निक्षेपण से, वो त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं, और इस कारण से धीरे धीरे नदी की धारा जो है वो कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार जो है एस्टुरी का निर्माण होता है। चलिए आंसर क्या करेंगे, इट्स अ नदी का प्रवाह निर्बल होता है, चलिए एस्टुरी का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? आंसर करेंगे इट्स अ सी, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, और यह सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे विशालतम मरुस्थल है। ठीक है, याद रखिए विश्व का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है। बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर होगा इट्स अ सी, संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश के निवासियों के द्वारा सिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल इस राइट आंसर इज ए, इज द राइट आंसर, जापान इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ई इज द राइट आंसर, एक से ज्यादा उत्तर यहाँ पे सही है। जैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये कथन सत्य है। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, और संचालन समिति के डॉक्टर अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। तो एक से ज्यादा उत्तर से हुआ यहाँ पे, ई इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्तित्व में आ गया? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और यह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। कब? आंसर क्या करेंगे, बी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूएन, संयुक्त राष्ट्र। चलिए अगला दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो आपको पता है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए वुडरो विल्सन ने किया था। जी हाँ, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसने की थी? तो वुडरो विल्सन ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? देखिए मैं आपको एक आकृति बता देता हूं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। ये होता है दोस्तों सूर्य। अब सूर्य से सबसे पास है बुध, है ना, जिसको हम लोग बुध को क्या कहते हैं, वेडनेसडे। ओके, उसके बाद आता है शुक्र, इसको हम लोग कहते हैं फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी, तो इसको हम लोग सोम कह लीजिए। ठीक है, मंडे कह लीजिए इसको, चलिए मंडे मत कहिए, इसको छोड़ दीजिए, मंडे मत कहिए, पृथ्वी है ये, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति ग्रह, उसके बाद आता है शनि ग्रह, और उसके बाद आता है दोस्तों अरुण और वरुण। तो ये हमारे 8 दिन की तरह है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सोमवार रविवार से शुरू करें तो ये जो है हमारा संडे जो है, संडे यानी कि रविवार। ठीक है, सन यानी कि रविवार। ठीक है, उसके बाद बीच में एक दिन छोड़ दीजिए, मंडे को छोड़ दीजिए। ठीक है, मंडे को छोड़ दिया, वेडनेसडे। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में हमने थर्सडे को छोड़ दिया। ठीक है, थर्सडे को छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह होता है, तो वो हम आगे चलेंगे बताएंगे। तो यहाँ पे आया फ्राइडे यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है, उसके बाद सैटरडे को छोड़ दिए, यानी कि जो सैटर्न हमारा होता है शनि ग्रह, उसको भी आगे हम बताएंगे, उसको छोड़ दिए यहाँ पे। अब आया हमारा पृथ्वी, तो यहाँ पे मंडे छोड़ा, सॉरी संडे के बाद यहाँ पे मंडे, मंडे छोड़ा मैंने, और मंडे के बाद यहाँ पे आया, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हमने मंडे और ट्यूसडे को छोड़ा। ठीक है, ट्यूसडे आगे आएगा अभी।
इसी क्षेत्र तक, ये चूंकि देखिए बाह्य क्षेत्र है, तीन तीन ग्रह बटे हुए हैं, ठीक है। तो इस तीन में हम लोग मंडे और ट्यूसडे को छोड़ते हैं, तो वेडनेसडे से शुरुआत करते हैं, फिर थर्सडे छोड़ते हैं और सैटरडे छोड़ते हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी आती है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे जो छूटा हुआ था उसको लेते हैं, मंडे तो कोई यहाँ पे ग्रह है नहीं सोम करके, तो यहाँ पे सिर्फ ट्यूसडे से शुरुआत हुआ। फिर जो हम लोग थर्सडे को छोड़े तो हमारा थर्सडे का यहाँ पे रूप होता है, और फिर सैटरडे का यानी कि शनि ग्रह का, तो ये सैटरडे यहाँ पे आता है, और बाकी अरुण और वरुण ये दोनों हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। यहाँ पे स्टार्टिंग में संडे के बाद मंडे ट्यूसडे छोड़ दीजिए, वेडनेसडे, फिर थर्सडे छोड़ दीजिए, फ्राइडे हुआ ये शुक्र ग्रह, फिर सैटरडे छोड़ दीजिए और ये हमारा हुआ पृथ्वी, क्या तो पृथ्वी हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दूसरी कक्षा में आते हैं, तो यहाँ पे मंडे को छोड़कर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे तीन ठू बचे हुए थे, और बाकी अरुण और वरुण। चलिए याद रखिएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। ध्वनि की चाल क्या है, ध्वनि की चाल है दोस्तों, नोट कर सकते हैं, इट्स सी, 760 मील प्रति घंटा, मील प्रति घंटा है, ठीक है, घंटे में बताया गया ना, सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रोटेस्टेट ये ना प्रोटेस्ट आंदोलन जो है ये शुरुआत कब किया गया था, आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ सी, जी हाँ, मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में तो ध्यान रखेंगे। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर बात करें दोस्तों इट्स अ बी, कर्नाटक में होता है, जी हाँ, और मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में ये होते हैं, जिसमें कि करीब 8200 टन जो है कॉफ़ी यहाँ पे उत्पादित किया जाता है, जिसमें कि कर्नाटक सबसे अव्वल नंबर पे है, जो कि 53% ये कम से कम जो उपज करता है कॉफ़ी का। उसके बाद केरल है जो कि 28% ये उपज देता है केरला, ठीक है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु, तमिलनाडु दोस्तों कम से कम 23% देता है यहाँ पे, ठीक है, कॉफ़ी का उत्पादन, तो 11% सॉरी 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 11% देता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। दक्षिण भारत में होने वाले हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये उपज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 8200 टन, जो कि 53% पूरे यहाँ पे उत्पाद का कर्नाटक अकेला करता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के किसे पराजित किया था, आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ बी, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक बल्कि एक योद्धा के तौर पर भी देखता है, बल्कि वो विद्वान भी थे, उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने उन्हें शेरे मैसूर भी कहा था। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वो 1799 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी उनकी, ठीक है। तो आप अगर टीपू सुल्तान का महल देखना चाहेंगे तो कभी मैसूर जाइएगा, जरूर घूमिएगा वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं, जाने वाले डेटा को, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं दोस्तों उसको, याद रखिएगा, इट्स अ सी, जी हाँ, इनपुट, ठीक है। जैसे कि आपने एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में क्या किया आपने, कीबोर्ड के जरिए, ठीक है, ये कीबोर्ड है, इसमें आपने कुछ इंटर किया, सपोज यहाँ से कुछ इंटर किया और ये अंदर गया, तो जाने वाला कंप्यूटर में जाने वाला है ना, तो हम लोग उसको इनपुट कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर से आने वाला, इसके थ्रू अगर आपने कहीं एक प्रिंटर लगा रखा है ना, और प्रिंटर से आपको कागज़ यहाँ पे निकलता है, तो उसको आउटपुट कहते हैं। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए 48, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे इट्स अ बी, दो होते हैं, 0 और 1। 49, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो आंसर याद रखिएगा इट्स अ डी, 512, ठीक है, वैल्यू होती है एक बाइट की। क्वेश्चन नंबर 50, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, देखिए बीपीएससी में आपको मैं बता दूं कि इस कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एक दो चार, है ना, तो इसलिए आपको मैं क्वेश्चन लेकर दिया हूँ यहाँ पर।
तो इनपुट और आउटपुट का रूपांतर दोस्तों दोस्तों यहाँ पे सीपीयू में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जी हाँ इसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आज के ये 50 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं जी हाँ, जो कि आपको यहाँ पे शेयर किए गए। आपके कितने उत्तर सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ज़रूर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कितने उत्तर आपके सही हुए हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जी हाँ, सुबह के 4 बजे करेंट अफेयर की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।